आज गर्मी तो है बहुत और नया नया पान भी खिले हैं और गर्मी आई तो मेरे बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर आ जाएगा हल्का सा। टेक्निक वाटर कलर की है, वाटर कलर से एक्रिलिक में जाऊंगा और एंड में मेरा ऑयल इफेक्ट जैसा हो जाएगा, मोस्ट ऑफ ओपेक हो जाएगा। ऐसी मेरी मेथड है, तीन मेथड एक्रिलिक में जो हैं पॉसिबिलिटी वो मैं यूज़ करता हूँ। पहले कम से कम कलर्स, बाद में मिडल, बाद में प्योर कलर, कम बिल्कुल लिक्विड कम, ऐसे ए पद्धति से मैं हर काम करता हूँ। इसमें आज जो मज़ा है वो एक मेरे लिए तो न्यू ईयर जैसा है, जैसे कलर न्यू दिखाई देता है, सब फ्रेश ताज़ा, क्योंकि बारिश गई हल्की सी होती है, कभी कभी बादल होते हैं और ट्री खुशखुशहाल हैं, मस्त हैं ट्री, छोटे छोटा घास बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है और काम करने में स्फूर्ति आई है, तो स्फूर्तिला प्रेस भी चलेगा। और ये जो स्केप लिया है ये भी एक हमारा वॉकवे जैसा जो जगह है, कंटिन्यूटी वॉकवे बहुत सारा है, कंटिन्यू वॉकवे 6 किलो 7 किलोमीटर का है, तो वॉकवे का जो टर्निंग आता है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं इसमें, ड्राइंग पर्सपेक्टिव, कलर पर्सपेक्टिव और सब आते हैं। और धूप, भादों का धूप है तो थोड़ा नीचे वाला जो घास, पुराना घास है, आज 2 महीने पहले जो हुआ है, वो थोड़ा ब्राउनिश दिखाई देगा और ब्राइट भी दिखाई देगा, कलर भी थोड़ा ब्राइट होगा। तो ये सब सोचते सोचते कलर रखना चालू किया है और एटमॉस्फेयर भी पकड़ने की कोशिश करूँगा। अभी तो सनलाइट बहुत कम है और 7:30 के आजू बाजू हुआ है, बैठ गया हूँ और ब्राइट अभी सनलाइट नहीं है, बादल के हिसाब से कभी धूप कभी छांव जैसा हो जाता है। पर जितना मुझे कैचअप करना है फर्स्ट एंड सेकंड, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की। तो बात यहाँ ये एक वर्क की भी होगी और वर्क के साथ लिंकेड वर्क जो बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है, आर्टिस्टों की बात होती है, तो होगा एजुकेशन की बात होगी, वह तो होगा। तो ये सुनते सुनते आप मेरा ब्रेस्ट स्ट्रोक भी देखो और साथ में हो सका तो करने की कोशिश करो थोड़ा स्पीड से, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जब होता है लेंदी तो मुझे थोड़ा इसकी जो टेक्निक है उसका यूज़ करके भागना पड़ता है। तो ये बात तो टेक्निक के साथ हुआ और कलर तो ऑब्जर्व करके छोड़ने लगा हूँ, डार्क लाइट में से डार्क जा रहा हूँ। आपने देखा पहले कैसा था और अभी धीरे धीरे हो रहा है, डार्क हो रहा है, क्योंकि लाइट तो है, लाइट तो जो समर की फिर जैसा तो नहीं है, क्योंकि अभी विंटर आएगा और अभी तो बारिश है, तो रास्ता भी बिना बिना थोड़ा है। मैं आके बैठ गया हूँ, पानी वाला रास्ता है, पर मैं तो मेरा जो बैठने का ढंग है वो हिसाब से बैठ जाता हूँ। और कलर सच सच के अभी स्लो हो गया, क्योंकि कलर सच सच के डालना पड़ेगा और टेक्सचर के लिए हमेशा मैं बड़ा ब्रश लूँगा, बढ़िया टेक्सचर आता है उसके। और मेरी हैबिट भी है बड़े ब्रश करने की, छोटा ब्रश पहले से मुझे कम पसंद है, फ्लैट राउंड ब्रश और फ्लैट सॉफ्ट ब्रश और फ्लैट राउंड ब्रश कम यूज करता हूँ, हार्ड फ्लैट ब्रश और हार्ड सॉफ्ट ब्रश और बार नंबर 10 नंबर और ये बड़ा ब्रश, ये 3 इंच का है, वो 3-4 इंच का ऐसे बड़ा ब्रश रखता हूँ,
क्योंकि 12 बरस से टेक्सराइज ट्री करना बहुत बहुत इंजॉय मिलता है। अभी देखो ब्राइट कलर ग्रीन ब्राइट का यूज होगा आज, यानी ऑरेंज येलो कलर का मैं उपयोग करूँगा। ऐसा काम हमारे यहाँ आर्टिस्ट करते हैं, पर ज़्यादा फोटोग्राफ यूज करके करते हैं, जिसका जैसा स्पर्श उसको आउटडोर में थोड़ा तकलीफ होगा, उसको जंगली जगह आउटडोर लगता है, उसको नदी पहाड़ पत्थरों पानी का झरना फॉल सनराइज सनसेट ये सब लोग करते हैं। पर ये तो यहाँ भी मिलता है, यहाँ झरना नहीं मिलेगा तो रास्ता मिलेगा, यहाँ आपको टेक्सचर के ट्री में टेक्सचर मिलेगा और ट्री में वेरिएशन कलर भी मिलेगा। स्काई छोड़ना तो छोड़ सकते हैं, स्काई तो बदलता रहता है। ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नेचर यानी वनस्पति ट्री छोटे छोटे छोटा छोटा ग्रास और फ्लावर बर्ड्स उसमें इंटरेस्ट हैं, जिसका जैसा इंटरेस्ट। मुझे पहले ओपन स्काई में काम करने का बहुत मज़ा आता था, मैं करता था आउटडोर जो जाके, जिस मैंने अभी बोला ना नदी पहाड़ झरना ये सब बहुत किया है। सिटीज के वहाँ में कम करता था उस टाइम पे, ये बात मैं कर रहा हूँ 82 से लेके 90 तक के। 90 के बाद थोड़ा थोड़ा मैं सिटीज के जैसे बड़ा में पहले सिटी कप करता था, वो बात 71 से 78 तक के, क्योंकि यहाँ बड़ा में सिटी में बैठ जाता था गार्डन में, जैसे आज यहाँ बैठ जाता हूँ। और सिटीज के सीस्केप लैंडस्केप स्ट्रीट ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है काम करने। फिगरेटिव डालना विलेज का डालो तो फिगरेटिव बढ़िया वर्क करती, या कोई तीन चार लेडीज ऑयल पे यानी कुएं में पानी भरते जाते हैं, वो ओल्ड मेथड है, अभी वहाँ कोई नहीं मिलेगा। वो फिर वो भी सब घर पे नल आ गया है, डंकी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर डाल देते हैं, घर में टंकी ऊपर रखते हैं, ऐसा सब हो गया। वो तो एक हमारा मेमोरी हो गया, ड्रीम हो गया। अब वो बड़े बड़े मेमोरी करने वाले वो करते हैं, ज़्यादातर जो ड्राइंग क्लास चलाते हैं उसमें ऐसा सब ग्रामीण सब्जेक्ट होते हैं, अभी वो ग्रामीण सबको भूले नहीं हैं, आगे जाने का पता नहीं उसको सूझ आता है कि नहीं आता है। ज़्यादातर लोग जो स्टडी कराते हैं ओल्ड स्टडी मेथड का स्टडी है, वहाँ से जो ड्रॉइंग टीचर निकलेगा वो वही कराएगा क्लास में जो उसने किया है। तो इसमें भी फर्क लाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वही एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में यही पुता ऐसे होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। समय के हिसाब से डिजिटल का भी उपयोग करना चाहिए, सब समय के हिसाब से होना चाहिए। डिजिटल कोई ऐसा नहीं है कि जो आर्ट में पाप है, ये हमारे यहाँ ये मेंटालिटी नहीं निकलेगी। डिजिटल ये पाप का माइंड का ही वर्क है। आप यहाँ ब्रश यूज करते हो तो उसमें भी ब्रश है, यहाँ कलर यूज करते उसमें भी कलर है, और इसमें आपको जो टेक्निक साथ चलना पड़ेगा तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है। ये भी आर्ट टेक्निक है, ब्रश टेक्निक है, ब्रश स्ट्रोक डेप लेना, ये देखो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो सब टेक्निक है। तो वो टेक्निक हम देख के करते हैं और वो टेक्निक हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं, ये ब्रश की हेल्प लेते हैं कैनवास पर, और कंप्यूटर का हेल्प लेके हम बनाते हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि डिजिटल गलत है, हाँ डिजिटल स्पीडी है, डिजिटल समझना और उसके पीछे काम करना, और ये भी एक अलग मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैंने 35 मीटर बनाया है डिजिटल पेंटिंग, 35 मीटर रीडिस्कवरी ऑफ आर्ट नाम रखा है, और
अजंता को मैंने रीडिस्कवर किया है, अजंता पेंटिंग को। और वो पूरी सीरीज नहीं बना सका, जितना मुझे अच्छा जो जो भाग लगा वो बनाया है। वो बनाया मैंने क्या डिस्कवर किया वो मैं आपको बता। ओरिजिनल इमेज उसकी देखो बुक्स में के कहीं भी प्रिंट देखो तो आपको दो पार्ट दिखाई देगा, एक एकदम ब्राउन ब्रम साइना रो साइना और डार्क लाइन दिखाई देगा, दूसरा येलो लाइट और वाइट कलर का फीलिंग ज़्यादा दिखाई देगा। मैंने ये सोचा है अजंता के बारे में कि कैसे इसको मैं डिजिटल में बनाऊँ। अजंता का जो प्रिंट इसकी कॉपी तो बहुत लोगों ने किया है, वो रियली 2000 साल पहले कैसा लगता होगा वो सोच के मैंने हाई टोन लिया और डार्क टोन लिया, मिडिल टोन बन जाता है। जैसे अभी मैंने लैंडस्केप में किया है इसे लाइट टोन लिया और धीमे धीमे डार्क टोन में जा रहा हूँ और धीमे धीमे वाटर कलर से एक्रेलिक के इफेक्ट में आ रहा हूँ। अभी ये देखो सेम उसमें मैंने कंप्यूटर यूज करके 3 साल तक ये काम किया, 35 मीटर बनाया अजंता का रीडिस्कवरी पार्ट। लोगों को दिखाना चाहता था मैं कि 2000 साल पहले अजंता बने तब कैसी लगती होगी, कितना फ्रेश लगता, कितना मस्त सुंदर लगता, गहना है उसका, ऑर्नामेंट है उसका, फेस है उसका, कलर्स हैं। वो मिडिल टोन पकड़ के किया, मुझे डार्क टोन तो मिला वहाँ और लाइट तो ऑलरेडी वाइट कलर जैसे नेपल शेलो जैसा ओकर येलो बहुत यूज़ किया है, तो ये सब माटी कलर का उपयोग करके वो लोगों ने वो टाइम पे वो मेथड, अलग बात है, लंबी बात है, हिस्ट्री की बात है, आर्ट हिस्ट्री की, मैं इसमें अभी नहीं रहूँगा। पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये पेंटिंग लाइव बना रहा हूँ, लैंडस्केप बना रहा हूँ और वो ये पूरा हैंडवर्क है और वो पहला कंप्यूटर से हैंडवर्क ही है, उसमें भी ऐसे ब्रश निकाल के बड़ा जो जो अच्छा लगे वो ब्रश निकाल के बस क्लिक 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 करके जाना है और जो जो टोन लेना है वो टोन डाल दे, जिस इसमें जो टोन दे कोई मुझे कोई फर्क नहीं लगता है। हाँ, उसमें टेक्निकल नॉलेज पूरा होना चाहिए, इसमें फ्लैश कोरल ड्रॉ फोटोशॉप उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। मानो आप मूवमेंट देना है तो बात अलग है, वो एनिमेशन हो जाता है, वो बात अलग है, उसमें ज़्यादा आपको जावा में सब स्टडी में डीप में जाना पड़ेगा। पर हमको पेंटिंग करना है उसका डिजिटल पेंटिंग, पेंटिंग अलग चीज़ है, पेंट एंड पेंटिंग इज ए डिफरेंस। पेंट यानी कलर हुआ, पेंटिंग इसका जो डायमेंशन लेके हम काम करते हैं, वस्तु को डायमंड से दिखाने का काम करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं तो पूरा पेंटिंग बन जाता है। उसमें लाइव पेंटिंग यानी जीवंत पेंटिंग कब लगेगा, जब तक पेंटिंग में कोई जीवंत चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, बर्ड्स एनिमल फिगर, तब तो लाइव लाइफ नहीं लगेगा, खाली लाइव लगेगा। ये डिफरेंस है लाइव लाइफ और लाइव, बहुत डिफरेंस। एक एक शब्द में आप जाओ और समझो, अंडरस्टैंडिंग करो तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। कोई चीज़ कहाँ से देखो, मुझे एक सोच आया था परिवार के बारे में। हमारे यहाँ हमारे देश की संस्कृति में भाई होता है, 3-4 भाई होता है, 3-4 बहन होती है, मासी होते हैं, भाई होते हैं, फूआ होते हैं, काका होते हैं, बहुत सारा परिवार होते हैं। अभी खड़ा सोने लगा है, अभी 2 बच्चे या 1 बच्चा हुआ तो उसके बच्चे को तो अंकल नहीं मिला, उसके बच्चे को फई नहीं मिली, उसके बच्चे को बस ओनली फॉर खुद और खुद, ये हो गया है हमारा वेस्टर्न स्टाइल आ गया है। कि वहाँ है ना एक शब्द यूज करते सबके लिए अंकल और आंटी, वो यहाँ आ गया है अंकल और आंटी। वो हमारे यहाँ अंकल आंटी नहीं होते हैं, हमारे यहाँ काका होते हैं, काका पापा का बड़ा भाई होता है उसको हम पापा भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो हमारे भाई पापा का भाई को अंकल कहते हैं, सब हैं जानते हो। वो चला गया धीमे धीमे चला गया, ऐसे आर्ट में भी हुआ। आर्ट में पहले जो डिटेल से काम करते थे, हमारे इंडियन आर्ट में तो टोटली क्रिएटेड वर्क है पहले से ही, सिंधु से लेके और मुगल राजपूत कला तक देखो सब मेमोरी वर्क है, सब क्रिएटेड है,
कॉपी वर्क नहीं, बिठा के स्टीलैप करके करना, वो नहीं, वो वेस्टर्न में था। वहाँ बिल्कुल उसके आदर्श आदर्श कला थी और हमारे आदर्श के साथ आदर्श संदेश हैं, आदर्श संदेश हैं। और वो एकदम रियलिस्टिक इंग्लिश का वर्क देखो आप तो पानी पानी की धार जैसा लगेगा। इंग्लिश आर्टिस्ट था इंग्लिश, और उसने जो रियलिस्टिक काम किया है जबरदस्त। लैंडस्केप में जान कस्टम भर करके चित्रकार ने काम किया है जबरदस्त। एक तिनका भी इसने छोड़ा नहीं है, पत्ता गिरा हुआ भी उसने छोड़ा नहीं है। उसके शहर के आजू बाजू वो घूमता रहा, सेंट्रलाइज में कहीं से दूर से चर्च दिखाई देगा, ऐसे सब वर्क हैं। उसने बहुत एकदम रियलिस्टिक किया है जान कस्टम वाले। तो ये वर्क रियलिस्टिक से दूर धीरे धीरे गए और पैच वर्क में आ गए, इमेज में आ गए, कलर टोन में आ गए, कलर ब्राइट में आ गए, प्रकाश वर्क वन गोग ने प्रकाश लेकर काम किया वर्क में आ गया। जो अभी मैं करता हूँ वो उसकी फीलिंग वाला वर्क है। तो ये काम करने में मज़ा आती है, कैचअप करके डालना, लाइट कैचअप करके डालना, और ट्रे का टोनल वैल्यू डालना, ट्रे का पता पकड़ना। देखो मैं अभी एंड तक आ गया हूँ, देखो कैसे स्टार्ट किया था, कैसे कहाँ पहुँच गया। तो ये एक आपकी कैचअप पावर की पर हैं सॉरी तो जितना आप कैचअप पर के काम करोगे इतना काम अच्छा होता है। और कॉपी करो तो गलत नहीं है। देखो एक छोटी बेबी आई है मेरे पास सीखने के लिए, तो उस मैंने उसको पूछा हूँ और मैं बताता हूँ वॉइस कट करके आपको। उसको पता चला कलर नहीं, हमारी लकड़ी पक्की है। आदू करो लगाओ। ओके हाँ, अगेन 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 लगाओ। आ ओके, उसको कलर से वो जानती है। लगाओ लगाओ, हाँ अब लगाओ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ यहाँ। वाह वेरी गुड पेंट। देखो ये इसने समझती कि मैंने जो किया उसके ऊपर वो नहीं डालती थी, उसको अच्छा लगता था और बिगड़ जाए डर रहता था। तो एक एंजॉय था, ये जो काम करते समय जो कोई आते हैं यहाँ वॉक में बैठो तो कोई ना कोई चाहेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा 20,000 घर परिवार बसे हैं, तो वो आएगा वो लोग और उसके बच्चे देखेंगे। तो वो मैं पूछता हूँ कुछ करोगी, हाँ बोलते हैं, कलर लेते हैं, ब्रश लेते हैं। तो जब बहुत मेरा अनुभव हुआ है चाइल्ड के साथ कि उसका साइकोलॉजी कैसा होता है, क्योंकि वो मेन कलर ही पकड़ेगा, रेड येलो ब्लू ऐसा कलर ही पकड़ेगा, और वो ब्रश बड़ा नहीं पकड़ेगा, छोटा ब्रश ही ढूंढेगा लेने का। बड़े ब्रश से उसका छोटे हैं ना, साइकोलॉजी उसकी क्या है कि बस कलर के साथ उसको खेलना है, उसको तरीके से बनाना कोई फंडामेंटल नहीं होता है, कोई क्रिएटेड माइंड होता है उसका। बच्चों का रियली बहुत क्रिएटेड माइंड होता है, डेवलपमेंट माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। तो उसको ये पता नहीं कि क्रिएटिव है, बस उसको खेलना है कलर के साथ, मज़ा करना है। वो जो मज़ा मुझे आता है काम करते करते वर्क में, उसको कराता हूँ बेटा, तो हिम्मत खोलता हूँ उसका। तो ये हिम्मत ज़रूरी है, और हिम्मत बिना तो ये कुछ संभव नहीं है। मुझे भी इसमें हिम्मत आती है, इसकी हिम्मत देखते मुझे में भी हिम्मत आ गई है। और आप मुझे देखो, आपको भी लगेगा चलो हम करें। इसलिए ये प्रेरणात्मक वर्क हैं, ये वर्क सिखाने का नहीं है,
वर्क समझाने का मेथड होनी चाहिए। सिखाएंगे तो एक एक जैसे कहते हैं रूपरेखा होगी। सिखाने का मीनिंग ये हुआ ऐसे ए होता है, ऐसे ए होता है, ऐसे ओ होता है, और नेचुरल माइंड से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। तो ये रियल वर्क क्रिएटेड होना चाहिए, ये नहीं होगा। तो डिफरेंस है सब वर्क में। सिखाने का तो ये हुआ जो हो गया उसको करो, उसको सिखाने कहते हैं, पर करने का ये होता है जो है वो करो। तो जो सिखाने का एक एजुकेशन मेथड है, और एजुकेशन ज़रूरी है क्योंकि रोटी बटर रोटी के लिए आगे सिखाने के लिए उसकी मेथड को कैसे करके सिखाना ज़रूरी है। एजुकेशन नॉट नेसेसरी ऐसा नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बाद उसके में जो आप फंडामेंटल एलिमेंट जो कोई स्टडी किया उसको डेवलप करके आप खुद का बनाओ, वो खुद का हो गया, ओन क्रिएशन हो गया। ऐसे ये सब मेथड हैं। अभी मैं जो खुद बना रहा हूँ ये फोटोग्राफी लेके मैं घर पे बना सकता हूँ, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, इतने हैरान होने की क्या ज़रूरत, धूप सहन करना, चल के आना, चल के जाना, मटेरियल उठा के ले आना क्या ज़रूरत। पर नहीं, ये एक समय था तो वो भी करते थे, और ये नॉलेज आने के बाद ये नॉलेज को कहाँ मुझे मेरे हिसाब से डालना, ये आज हो रहा है। ऐसे आप मैं करता हूँ, देखो आप एक टाइप का प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए, आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, कोई भी ये स्केप लो, इसमें सेंट्रलाइज कोई ऐसी चीज़ रखना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे, लाइक टू पीपल्स, लाइक टू आँख को पसंद आए, और हमारा एटमोसफेयर पूरा हम खींच के लाए। और देखो अभी लगभग 11 बजने आया है तो धूप भी आ गया, ये धूप बादल या धूप है, धूप कभी छाँव जैसा धूप है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पर लाइट स्ट्रॉन्ग पकड़ लिया है, तो लाइट स्ट्रॉन्ग पकड़ लिया उसको मुझे प्रेजेंट करना है। और ये पकड़ के भी धीरे धीरे सोच सोच के डालता हूँ, देखो पहले जितना फास्ट नहीं रहा हूँ, एकदम ब्रश डालता हूँ तो सोच के डालता हूँ कि ये हैं बराबर इफेक्टिव हैं, और ये कितना अप है, कितना डाउन है, एक कलर पर्सपेक्टिव में है, कलर पर्सपेक्टिव बाहर निकल गया है, ये सब सोच सोच के मैं अभी प्रेजेंट पूरा होने आया है अभी, तो क्योंकि अभी 11:30 हो गया, 12 बजे तो मुझे पूरा करना ही है। ये रियली 2 दिन का काम है, आगे वाला जो था थोड़ा वो, और ये 2 दिन का बची हुई, बाद में मैं जो चालू किया वो सेकंड का स्टार्ट है। तो अभी इसको टचिंग एंड फिनिशिंग भी लोग बोलते हैं, जो थोड़ा अप लाना है, या कोई आगे आ गया, कोई पीछे चला गया, देखो ये रास्ता है, उसकी किनारी हैं वृक्ष बनाई हुई, वो नहीं था वो किया, इससे रास्ता क्लियर होता है और एकदम उसका परफेक्शन आ जाता है। ऐसे सब हैं, वो डिटेल्स में करना पड़ता है। उसमें फ्लावर भी आ गया है, कोई कोई जगह पर फ्लावर दिखाई देते हैं, हल्का छोटा फ्लावर बहुत है, तो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं दिया, छोटा है तो नहीं दिया है, कभी कभी दे देता हूँ, ऐसा नहीं है लगा कभी देना है दे देता हूँ। आज तो मुझे लाइट का ही ज़्यादा लेने का, लाइट पकड़ने का ही बहुत इच्छा हो रही है, तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ट्री है उसका ब्रांच है या उसका जड़ है वो सब लाने देख रहा हूँ कि कहीं भूल नहीं गया उन्हें, ऐसे कॉपी तो नहीं है, ये कोई कंपेरिट करके नहीं कहेगा कि वन गो का नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारा वर्क है, तो इसमें तो कोई रह जाते नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। पर जब तक आपको सेटिस्फाई, यानी रियली कलाकार को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, पहली बात है, कलाकार जो सेटिस्फाई हुआ बात ख़त्म, वहाँ से उठा जाता है। अरे उसको सेटिस्फाई कब होता है, सरकारी अवार्ड मिला 3-4, कोई ग्रुप का अवार्ड मिला, तब उसको सेटिस्फाई होता है कि मैं कलाकार बन गया। और जब वो माइंड में आ गया कि मैं कलाकार बन गया, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फल पक जाता है, तो बाद में पकता नहीं है, वो सड़ जाता है। पहले कभी सेटिस्फाई
होता ही नहीं। रियल कला का जो काम करना है वो संशोधन करते 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 न्यू प्रेजेंटेशन करता ही रहेगा। देखो मेरे लाइफ 50 साल में मैंने कितना डिफरेंस अलग अलग वर्क करने की कोशिश किया है, पर मुझे अवार्ड नहीं मिला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा अवार्ड तो मेरा आर्ट लवर्स हैं, कलेक्शन है, ऐसे ऐसे म्यूजियम में ऐसे ऐसे जगह कलेक्शन हैं कि मैं क्या बताना। जब जब आप बायोग्राफी देखो तो पता चलेगा। अवार्ड जो मुझे वो तो इसलिए पसंद नहीं कि हमारा वर्क हम जो फीलिंग से करते हैं उसको जज करने वाले कौन, पहली बात है कौन। क्योंकि मैंने तो आप नहीं मानोगे, महाभारत जब मुझे सेल करना था तो बहुत संस्था इंस्टीट्यूट ने 3 आर्टिस्ट को नीमा था जजिंग के लिए कि इसको खरीदना है नहीं खरीदना। मुझे पता चला मैं डायरेक्टर के पास डायरेक्ट गया कि मैडम मुझे सेल नहीं करना है। लेकिन क्यों नहीं, हमारा जो हमने जो काम किया है वो देख के आपको नहीं लगता है कि ये लोगों ने इससे कुछ किया है, पहली बात है। और जो किया है वो उसके हिसाब से होगा मुझे पता नहीं, पर हमारा वर्क का कोई जजिंग आपने हमने बुलाया मेरा वक्त देख के, सोनिया जी ने बुलाया वक्त देख के, तो आप जैसे जज और कोई नहीं है। आपने हमारे वर्क का वैल्यू किया है, वो लोग डिस्क्रेज करे या कोई आई डोंट नो, पर मुझे सेल नहीं करना। तो बोला अच्छा, हमारा जो कमर्शियल कमेटी है, हमारा फाइनेंस कमेटी है, वो लोग रहा मतलब हाँ लगाए, इसका कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आर्ट अननोन लोग यहाँ कहीं भी कुछ करे उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ नाम बोल दिया था। बोले 3 महीने रखने के बाद भी मैंने, क्योंकि मेरा ऊपर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर था साउथ अफ्रीका में महाभारत का, ब्रिटिश काउंसलर खुद घर पर आए थे, बड़ा से हमारे एड्रेस लेके घर पर आए थे और हमारा पूरा रिकॉर्डिंग 2 दिन रहकर सब करके गए थे और लेटर दे के गए थे। मुझे कोई और दिए ना दिया, पर कोई जज हमारा वर्क करे ये मुझे पहले से पसंद नहीं है। हाँ पसंद है, हम जब छोटे थे और जो नाम वाले बहुत अच्छे आर्टिस्ट बहुत सारा अचीवमेंट लिया था ऐसे वो टाइम पे पसंद था, पर धीरे धीरे मुझे जब सेंस होने लगा कि रियल आर्ट क्या है, रियल वर्क क्या है, कल्चर को लागू होते हैं, लिटरेचर को लागू होते हैं, हमारे कथाओं को लागू होते हैं, हमारा संदेश जो देना है शब्दों में दिया उसका रूपांतर करके हम चित्रावली बना के संदेश दे, पैसे दे, देश को लाभ होना चाहिए, एजुकेशन को लाभ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं पेंटिंग में। वो सोच के बाद में धीरे धीरे, और आपको एक दूसरी बात बताऊँ, अभी जब कोई कलाकार ने गैलरी वालों के पास से पैसा नहीं लिया लगाने का, मेरा रिकॉर्ड है, मेरा स्कोर कहीं भी लगता है तो मैं डेली का चार्ज लेता हूँ। पहले वेले मैंने चार्ज लिया नेहरू सेंटर में, जो जब ये गैलरी नहीं थी तब ड्रामा का हॉल था उसमें लगाया था वो लोगों ने जवाहर का जन्मदिन के लिए, तो हमको स्पॉन्सर किया था और स्कोर लगाए 300 मीटर ही लगा था। तो पर डे का मैंने वो टाइम पर 1000 लिया था, बाद में IGNC में लगाए वहाँ भी 1000 पर डे का लिया था। तो मैं खुद जहाँ जहाँ कोई मुझे बोला था तो पेंटिंग का सेल तो नहीं होता, खर्चा निकालना है, आना जाना है और थोड़ा लगे कि ना, तो मैं डेली का वो लोगों के पास रेंट फिक्स करता हूँ। तो आपको ये भी चार्ज लगेगा कि आर्टिस्ट गैलरी बुक करता है या स्पॉन्सरशिप लेता है, तो ये पेंटिंग लगाने का पैसा लेना, रुपया लेना, पैसा की गिनती नहीं थी, हमारी वैल्यू की गिनती थी। ऐसे ऐसे क्यों लगाए, क्योंकि सेल करने के लिए नहीं था, तो कुछ तो बेनिफिट आर्टिस्ट को लेना चाहिए, पैर दिया तो वो हिसाब से मैं, अगर बहुत खर्चा लगता था तो अभी भी कोई बोला है अभी भी लेता हूँ, ऐसा नहीं तब लेता था, अभी भी चालू है मेरा ये काम, मैं खुद लगाता बात अलग है। तो ये देखो हाईलाइट पकड़ लिया और हाईलाइट से कितना घटा पाया देखो, क्योंकि सनलाइट एकदम 12 बजे की सनलाइट, 11:30-12 बजे का टाइम हो गया है, तो छोटे छोटे हाईलाइट, छोटा फ्लावर, वाइट फ्लावर भी बहुत हैं अभी रखा मैंने, और थोड़ी और बात में मैं उलझ गया। तो आप देखते हो, आपने देखा है, और ये लैंडस्केप में मुझे बहुत मज़ा आया कि आज इस बारिश का बाद का पहला लैंडस्केप मेरा, कितनी मज़ा आया है काम करने में, सब फ्रेश था, मैं भी फ्रेश था, मेरा माइंड भी फ्रेश था, मैं भी उल्लास में था। तो ये काम करने का अंदर से जोश मिले
तब तक तो काम करना चाहिए, मन मार के दिल को मार के नहीं बैठना चाहिए, अलग सोच करके नहीं बैठना चाहिए, एक करके क्या करेंगे, इसका कौन कितनी प्राइस देगा, क्या होगा नहीं होगा, ये छोड़ो। वर्क का इम्पोर्टेंट हो, वर्किंग इंसान को आगे लाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में वही किया है कि कर्मयोगी बनो, शर्मयोगी मत बनो, धर्मयोगी मत बनो, कहीं नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने कर्मयोगी पर ही बात दिया है, काम करो, कुछ न कुछ करो, कर्म करो, फल मिलेगा, फल नहीं रखता है वो आपका जन्म वर्षा में होता है, मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा। ये होता है जज्बात। देखो भाई मजा, बहुत मजा आ रहे हैं, धूप भी मुझे अभी मैं बेटा में धूप आ गया तो क्या करूँ, ब्रश का शेडो पड़ता है कैनवास पर, काम तो मुझे करना है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो जो लाइट मुझे जब लुभावना मेरा माइंड है, मैं हो सके इतना छोड़ता नहीं हूँ। एक लैंडस्केप में मेरी हैबिट है, पोर्ट्रेट बनाऊँ इसमें भी वो मेरी हैबिट है, क्रिएट करूँ इसमें तो बात ही अलग है वो तो कहाँ चला, कहाँ से कहाँ चला जाए तो पता नहीं चलता है। तो ये सब जब तक दिल में ये रहेगा तब तक आप अच्छे क्रिएटर बनोगे, अच्छा आर्टिस्ट। और दूसरे अच्छा आर्टिस्ट के लिए ये नहीं समझना कि आपको बहुत सारा अवार्ड मिल गया तो अच्छे आर्टिस्ट, आप बहुत सारा प्रोफेसर बड़े बन गए कॉलेज का तो अच्छे आर्टिस्ट बन गए, ये नहीं, ये होता है वो जिसको समझ नहीं समझे। पर अच्छा वर्क करके समाज को, देश को, एजुकेशन को दो और कल्चर को दो तो ये इसका जीवन रहता है। ये अच्छे म्यूजियम में जाएगा या अच्छा इंस्टीट्यूट में जाएगा, ये जो सोच है ना ये निकाल दो कि इसका क्या होगा, वो समाज पर छोड़ो। जो करते हो वो समाज को जरूरत है, नहीं जरूरत है ऐसा नहीं, ऐसी जरूरत जैसे हम खाना पीना की जरूरत है तो हमको मिल जाता है, ऐसे इसकी जरूरत है इस जरूरत वाला आ जाता है। हाँ एक है उसको पढ़ कर रखते हैं गुफा में या पोर्टफोलियो घुसा देना, ओ तो कोई नहीं देखेगा, हाँ मैं आर्टिस्ट, मैं इनिशियल करता, मैंने वो नहीं करता, मैं वो मैं निकाल देना। हम करेंगे, करते हैं, सब करते हैं, हम वर्क भी सब प्रकार के करते हैं। रंग रेखा आकार ये मेन हमारा ध्येय होना चाहिए। देखो शेर को भी पकड़ रहा हूँ, थोड़ा बिना सूख गया धूप आया तो वो डार्क कलर डाल दिया था, उसको मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना पानी वाला था, अभी धूप का शेड आ गया तो धूप का शेड अलग होता है, हल्का सा बहुत होता है, बहुत हार्ड शेड नहीं होता है, कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं होता है। तो ऐसा ये शेड अभी मैं डाल रहा हूँ और मुझे लगता है अभी शायद पूरा होने आया है और हो जाएगा, थोड़ा टाइम है थोड़ा, तो ये काम ढूंढ रहा हूँ अंदर में, अभी काम ढूंढ रहा हूँ क्या क्या रह गया, क्या क्या करूँ, कैसे करूँ, वो मैं काम ढूंढ रहा हूँ अभी, तो रहेगा। जो भी मेरा टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और कर रहा हूँ तो कितना ब्राइट हो गया, एकदम ब्राइटनेस आ गए, धूप आ गया। अभी मैं ढूंढता हूँ कि मैं कौन सा कलर कहाँ रखूँ, क्योंकि कलर तो मुझे रखना है, हाँ नीचे वाला थोड़ा डाउन करना है तब अप लाइट का वैल्यू होगा। ये अप लाइट जो है मेरे लेफ्ट साइड से जो आती हैं वो लाइट मुझे चाहिए, तो मैं थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी इक्वल हो जाता है उसको डाउन कर रहा हूँ। टॉप लाइट का इनपुट, टॉप यानी भी 12 बजे हैं, सन थोड़ा साइड में है तो उस हिसाब से सनलाइट को परफेक्ट स्थान देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लीज़ आप शेयर करो और दोस्तों को बोलो कि मुझे सब्सक्राइब करे और शेयरिंग करो और स्टडी परफेक्ट करो। स्टडी करने वाले के लिए एकदम
समझना है, करना बाद में। मैं इतना बोलता हूँ तो समझो कि समझ के काम करना है। लेक्चर देता हूँ मैं ये, और मेरा पीरियड ही होता है लेक्चर देने का। अभी टाइम हो गया है और मैं अभी देखो निकाल रहा हूँ, और धीमे से सोचता हूँ, दूर रख के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। कुछ रह नहीं गया ना, कुछ रह नहीं गया ऐसा। चलो अब पूरा करता हूँ, आप देखो के सब्सक्राइब करो और एंड मैं आ गया। माय चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, बानो दुधार। माय नेम बानो दुधार, चैनल भी मेरे नाम पे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए, सूचन कीजिए, यानी एनी आई एम ऑलवेज लर्निंग आर्टिस्ट। Thank you.